आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम पहिए रॉयल एनफील्ड क्लासिक बुलेट, इसमें एक दिक्कत है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। पास ले जाओ। इस गाड़ी में सर्विस खैर होनी होनी, इस गाड़ी की सर्विस वगैरह होनी है। इस गाड़ी की क्लासिक है, इसमें एक दिक्कत आ रही है, जगह रस्टिंग आ गई है। रस्टिंग आ गई, मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसका ये लिखा हुआ 350 क्लासिक, इसका ये बॉक्स है जो देखो कहीं से भी बाहर से कहीं से भी नहीं गला हुआ। नीचे अंदर ये देखो कहीं से भी नहीं गला, बस ये नीचे से रस्टिंग आई है। ये वाली ये दिख जोगी आपको, ये रस्टिंग है। तो इसका इसके वजह से जो इसका जो ओपन करने वाला जो होता है जगह, ये कट गई है। देखो ये टूट गई है, ये पूरा बाहर आ गया इसके वजह से। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो ये ऐसे लगा हुआ है, ये लॉक लगा रखा हमने, तो ये रुका हुआ है। हमने लॉक ऑन करा, खोला, ये पूरा बाहर आ गया। देखो ये चीज़ इसकी गल गई है। तो कस्टमर भाई ने बोला इसका कोई जुगाड़ है तो बताओ, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि अंदर से बिल्कुल फिट है। ये देखो इसकी जो लॉक वाली जगह होती है, ये मूवमेंट करने वाली जगह, ये कंपनी ने काफ़ी हल्की दे रखी है, काफ़ी घटिया जुगाड़ है ये। यहाँ मजबूत लॉकिंग होनी चाहिए जो मूवमेंट करने वाली होती है। जो अंदर से देखो बिल्कुल फिट है, कहीं से भी नहीं गला। ये देखो बिल्कुल साफ सुथरा है, ये देखो बिल्कुल साफ सुथरा है ये। तो मैं इसमें एक नया जुगाड़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखाऊंगा अभी करके। इसके अंदर हम ये लगाएंगे, जो गेट के अंदर जो चिमटी लगी होती है मूवमेंट करने वाली, वो इस जगह हम वेल्ड कराएंगे। इस जगह पे वेल्डिंग करा देंगे। जो हमारे आम जो घरों में गेट के अंदर जो चटकनी होती है मूवमेंट करने वाली, वो लग जाएगी, इन दोनों को ज्वाइंट कर देगी और हमारा बॉक्स कम्प्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको वेल्डिंग करा के फिर आपको दिखाऊंगा आगे कैसा लगता है, ये हमारा काम कम्प्लीट होता है कि नहीं होता। तो अभी आगे मैं वीडियो जैसे बनाता जाऊँगा आपको दिखाता जाऊँगा, ठीक है। तो अब इसका वर्क चालू करते हैं, इसको खोलना चालू करते हैं। इसको पहले बाहर निकालते हैं, हम इसकी कोयल वगैरह बाहर निकाल लेंगे हम। ये वायरिंग सॉकेट वगैरह पूरा खोल के निकाल लेना बाहर हमें। ये इसका फ्यूज बॉक्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। ये देखो ये हमने बाहर निकाल लिया। ये इसकी सीडीआई कोयल है जो इसमें कनेक्ट थी, ये भी हमने बाहर निकाल ली। अब इसके अंदर का बोल्ट खोल लेंगे, इस बॉक्स को बाहर निकालेंगे। 10 नंबर की बोल्ट लग रही है अंदर। एक ये रहा बोल्ट, इसको भी खोलेंगे, 10 नंबर का बोल्ट है। एक यहाँ नीचे लग रहा है, इसको भी खोल लेते हैं। एक यहाँ चाय भी लगेगी, गोटी तो लगेगी ना। तो फ्रेंड ये नीचे वाला बोल्ट भी हम खोल लेते हैं, इसके नट बोल्ट काफी जाम थे, ये हमने निकाल लिया। इसका बोल्ट बहुत ज्यादा जंग खा रहा था, ये रहा काफी मुश्किल से खुला है, ये काफी पेस्ट टाइट था ये बोल्ट वाला। तो ये हमने तीन बोल्ट होते हैं जो हमने खोल लिया, 2 बोल्ट थे, 1 नट बोल्ट था। ये हमने खोल के बाहर, ये बॉक्स बाहर आ जाएगा हमारा आसानी से काफी।
रही है। बॉक्स हमने पूरा बाहर निकाल लिया, ये देखो ये पूरा गल गया यहाँ से, इसके लिए जो जगह है तो वो पत्ती हम यहाँ लगाएंगे। ये देखो ये चीज यहाँ से गली है, ये चीज ऐसी लगती है, हम यहाँ पत्ती लगवा के वेल्ड करा देंगे तो बिल्कुल फिट हो जाएगा ये। तो मैं इसकी पत्ती लेके वेल्ड करा के फिर आगे वीडियो बना के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड हमने ये पत्ती परचेज कर लिया, ये पत्ती लगाएंगे, इसके यहाँ अंदर वेल्ड हो गया ऐसे, ऐसे वेल्ड होने के बाद और ये हिस्सा यहाँ वेल्ड हो जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ वेल्ड होगा, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको वेल्डिंग करा के दिखाता हूँ आगे कैसे इसका प्रोसेस है और क्या वर्क है, फिर फिटिंग करेंगे। पीली वाली है बच्चे, सुबह भी चल रही, कल पंखो कौन चल रहा, पंखो चलते चलते बंद हो गया, ध्यान होना है। तो फ्रेंड ये हमने वेल्डिंग करा दी है, बिल्कुल अच्छी मूवमेंट कर रहा है ये देखो, यहाँ तक स्टॉप भी हो जा रहा है, ये हमने अच्छी तरह से वेल्डिंग करा दी है देखो, और इसके अंदर बिल्कुल साफ था, कहीं से जंग नहीं खड़ा था, बस यहीं से जंग खड़ा था, इसकी वजह से हमारा बॉक्स पूरा खराब हुआ था, काफ़ी कॉस्टली बॉक्स था ये 350 वाला, और ऑर्डर करने में मिलता हाथों हाथ नहीं मिलता। और इसकी फिटिंग देखो कितनी अच्छी आई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितनी अच्छी फिटिंग है इसकी। तो अब ये वेल्डिंग हमारा हो चुका है, तो ये हमारा कंप्लीट है, तैयार है, अब मैं आपको इसको लगा के दिखाऊंगा, तो बस इसको फिट करते हैं और फिर आगे देखते हैं और जो काम कंप्लीट करना है, बैटरी वैटरी लगानी है, फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बस यही इसमें फिलहाल तो यही था जो मेन मेजर दिक्कत थी, तो ये भी हमने कंप्लीट कर दी, अब तो इसको लगाना चालू करते हैं, अब से स्टार्ट करते हैं डालना। ये हमारी फिटिंग चालू हो गई है, सॉकेट सारे अंदर डालने चालू हो गए हैं, सॉकेट सारे अंदर करने होते हैं, एक करके सारे सॉकेट अंदर आ जाएंगे, ये सॉकेट सारे हमने अंदर खींच लिए, तो फ्रेंड ये सॉकेट सारे अंदर आ गए। अब इसके जैसे हमने खोले थे बोल्ट वैसे लगा देने पहले की तरह, तो फ्रेंड इसके बोल्ट लगाएंगे अंदर वाले, ये जो हमने खोले थे जहां जहां से खोले थे वहीं वहीं लगाने होते हैं हमें, ये बोल्ट ये लग गया घेरा, बाकी नीचे वाला भी लगाएंगे इसमें, इस जगह पे लगता है जो, ये वार्सल, ये इसका नट, तो फ्रेंड ये बोल्ट टाइट हो गया हमारा, अब अंदर वाले भी सही से टाइट कर लेंगे।
तो इसकी फिटिंग होगी बॉस। अब ये लगाएंगे इसकी CDI कॉइल जो हमने निकाली थी। बहुत इजी है, जहां से जैसा खोलना है वैसे वैसे फिट कर देना है। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। ये इसका फ्यूज बॉक्स जो आपको मैंने खोल के दिखाया था, ये फिट करेंगे आप। सॉकेट अब ये गया अंदर। अपनी जगह पे लग गया फ्यूज बॉक्स, ये रिले लग गई अपनी जगह पे। ये वायर जाएंगे ऊपर इस जगह पर। तो फ्रेंड ये हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम नीचे, ये वो ये सॉकेट नीचे नहीं छोड़ना क्योंकि यहाँ पानी रुकता है। अब पानी रुकेगा तो इनमें कार्बन, इसको ऊपर उठा के रखना हमें, ठीक है। तो इसको फिट करेंगे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको चाबी हमने लगाई, इस फ्रंट ये हमारा फिट हो गया, बिल्कुल नहीं हिल रहा ये। तो फ्रेंड हमारी बुलेट की जो वेल्डिंग थी, जो रस्टिंग एरिया था, वो सही हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगर आपकी गाड़ी में ऐसी दिक्कत हो तो ये काम करा सकते हैं, बहुत ही सस्ते में आपकी गाड़ी अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं आएगा। थैंक यू।